खुशबू आ रही है बहुत तगड़ी भाई। पेरी पेरी फ्राइज भी जो है काफी डिलीशियस दिख रहा है। और इतनी चाय कैसे पी लेते भाई तुम? यार चाय तो यार मेरी फेवरेट है। हे गाइस वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग। तो हो चुकी है एक नए ब्लॉग की शुरुआत। आज हम आ पहुंचे हैं चाय गरम पॉकेट कैफे में। तो अब यहाँ की अगर हम एड्रेस की बात करते हैं तो ठीक साई मंदिर के अपोजिट ये कैफे है। तो चलिए चलते हैं अंदर और देखते हैं कैसे अंदर से जो सेटअप है। तो चलिए चलते हैं अंदर। तो गाइस हमारा ऑर्डर आ चुका है। तो हमने ऑर्डर किया था पेरी पेरी फ्राइज और रोहित भाई ने हमने लिया था लेमन सोडा, फ्रेश लाइम सोडा और मैंने किया था यहाँ की स्पेशल मसाला चाय। तो गाइस दिस इज़ दी स्पेशल ऑफ चाय गरम, द चाय गरम टी। एक्चुअली दिस इज कंसिस्ट ऑफ मसाला, जो मसाला है हमारे बेसिकली अदरक इलायची लौंग एंड ऑल दैट थिंग्स। इनका फ्लेवर एक अलग से आता है, उसे चाय गरम स्पेशल बनाते हैं ये लोग। तो स्पेशल चाय यहाँ की ये है, तो काफी अच्छी लग रही है और जो महक इसमें आ रही है सुगंध आ रही है काफी अच्छी आ रही है यार। मतलब पेरी पेरी फ्राइज भी जो है काफी डिलीशियस दिख रहा है। तो चलिए गाइस देखते हैं कैसा टेस्ट है, फिर बताते हैं आपको। स्टार्ट करते हैं। इसे शुगर या अच्छा पैकेट में दे रहे हैं, अच्छा खुद से नहीं कस्टमाइज करो खुद से। यस खुशबू आ रही है बहुत तगड़ी भाई, मस्त। आई थिंक दिस इज समथिंग टेस्टी वाली चाय जो बोलते हैं ना हम लोग ठंड में, जो अदरक एंड इलायची वाली चाय। चीयर्स। बहुत ही बेहतरीन टेस्ट भाई, बहुत ही मस्त। और मैं फैंटा भाई तो हमारे चाय के वैसे भी धसकी हैं, जिसे बोलते हैं एडिक्शन है चाय का भाई को। तो मैंने कहा आज क्यों ना चाय गरम पॉकेट कैफे की चाय पी जाए और फैंटा भाई को बताया जाए कि यार यहाँ की चाय में भी कुछ अलग बात है। क्यों है अलग बात? मसालों का इतना बढ़िया फ्लेवर आ रहा है ना, क्या बताएं। टेस्ट करते हैं हम ये पेरी पेरी फ्राइज, यहाँ का स्पेशल जो है ये। ये यार ये खाकर बताओ अंकुर यार, मतलब क्या डिफरेंट है इसमें? जो हम लोग फ्रेंच फ्राइज खाते हैं उससे क्या डिफरेंट है इसमें? मतलब टेस्ट कैसा आ रहा है इसका? बहुत ही बेहतरीन टेस्ट आ रहा है। मसाले जो उन्होंने इसमें ऐड करे हैं पेरी पेरी, कुछ यूज़ किया होगा पेरी पेरी मसाला। रोहित भाई आप टेस्ट करके बताओ लेमन सोडा अपना। मैं टेस्ट करके बताता हूँ। फ्रेश लाइम सोडा ऑर्डर किया था मैंने चाय गरम कैफे से, क्योंकि यार एक्चुअली क्या है ना, मैं ना बहुत दिन से चाय बहुत ज़्यादा पी रहा था। मैंने कहा आज कुछ ठंडा हो जाए, थोड़ी सी गर्मी हो रही थी ठंडा भी आ जाए, तो मैंने कहा क्यों ना फ्रेश लाइम सोडा ट्राई किया जाए। तो लेट्स ट्राई दिस। कैसा था टेस्ट? काफ़ी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी टैकी फील हो रहा है, रिफ्रेशिंग भी लग रहा है, चिल भी लग रहा है, कूल भी लग रहा है। मतलब काफी मतलब मिक्स अप कर रखा है हर चीज का, फ्लेवर मिक्स है। मैं चाय ऑर्डर कर रहे क्या? हां ये चाय ऑर्डर करूंगा यार। कौन सी पी रहे अब? कौन सी पीती तुमने अभी? हमने पी थी चाय गरम स्पेशल। अब कौन सी मंगा रहे हो? अब मैं मंगाना चाह रहा हूं यार ये कड़क चाय। कड़क चाय? कड़क चाय, बाप रे बाप, कितनी कड़क चाय पिए करे भाई फैंटा। यार चाय तो यार मेरी फेवरेट है, चाहे गर्मी हो सर्दी हो कुछ भी मौसम हो, चाय मैं पीता पीता हूं। चाय जो है एक बार चाय पी लो ना तो बॉडी पूरी रिफ्रेश हो जाती है दिन भर काम करने के लिए। भैया एक कड़क चाय करना है रेगुलर। क्या मंगाया तुमने? फैंटा कड़क चाय रेगुलर। तो चाय में काफ़ी वैरायटीज है यहाँ पे, तो दूध वाली चाय है यहाँ पे, और अगर कोई हेल्थ कॉन्शियस है तो ग्रीन टी भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो मिल्क टी में जो है आपके काफ़ी ऑप्शंस हैं चाय में, और एक ऑप्शन ये भी है इसमें आप रेगुलर भी ले सकते हैं। और दैट इज समथिंग इंटरेस्टिंग आई गेस ना। तो वी हैव ऑप्शन ऑफ ग्रीन टी, दार्जिलिंग टी, प्रीमियम टी, कॉफी कॉफी भी है यहाँ पे। तो जो है काफ़ी अच्छा अट्रैक्टिव जो है मेन्यू लग रहा है। और अगर हम बात करें हमें स्नैक्स की, तो स्नैक्स में भी जो है काफ़ी जो वैराइटीज हैं। तो हमने क्या किया था, हॉट एंड क्रिस्पी में ऑर्डर किया था पेरी पेरी फ्राइज। तो उसमें प्राइस में भी काफ़ी ऑप्शंस हैं और प्राइसिंग भी इतनी ज़्यादा हाई नहीं है, प्राइसिंग भी बढ़िया जो है, नॉर्मल है, नॉर्मल प्राइस है, एवरीवन कैन अफोर्ड दिस है ना। और कोई हेल्थ कॉन्शियस है, कोई जो है अगर मॉर्निंग में कोई आना चाह रहा है यहाँ पे, तो अगर उसको ऑफिस जाना है और हाँ, तो अगर उसको जो है कुछ हेल्दी खाना है तो यहाँ पे ओट्स की भी जो है, ओट्स भी अवेलेबल है।
चाय तो आ चुकी है। कौन सी चाय ऑर्डर की थी? कड़क चाय, तो उसके साथ एक्चुअली जो कैफे वाले उन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री में हमें कुछ कुकीज दी हैं, दैट इज समथिंग आल्सो नाइस कुकीज आई गेस, पिस्ता कुकीज, ये पिस्ता देसी घी वाली बनी है, स्पेशल कुकीज हैं। तो वी आर थैंकफुल टू द चाय गरम पॉकेट कैफेज गाइस, दिस इज आल्सो समथिंग स्पेशल इन कड़क चाय, डेफिनेटली। हां जैसे हम बाहर उसमें थेली पे स्टॉल्स पे पीते हैं ना, लैंग्वेज कहते हैं ना कटिंग चाय, कटिंग चाय बस। एक्चुअली हम लोग बॉम्बे में थे तो बॉम्बे में हम लोग कटिंग चाय बोलते थे, ऊपर कटिंग चाय पिला दो भैया, कटिंग चाय पिला दो, एक कटिंग भैया, तो समथिंग दिस इज काइंड ऑफ अ जो फैशन था वो यहाँ पे देहरादून में आ चुका है। तो चाय गरम कैफे भी लेके आ चुका है, मतलब इसको कटिंग नाम तो नहीं दिया इन्होंने, बट एक कड़क चाय स्मॉल, दैट इज समथिंग, मतलब इन्होंने क्या एक स्टेटस बना के रखा है कि एक ब्रांड है एंड फ्रेंचाइजी आउटलेट है, तो उसका एक स्टेटस क्रिएट किया है इन्होंने, आई मुझे लगता है एक डिफरेंट सोच है थोड़ी सी। कैसा लगा अंकुर यार चाय गरम पॉकेट कैफे में आके? मतलब बहुत ही बढ़िया लगा भाई, मुझे बैठ के भी यहाँ पे काफ़ी मज़ा आया, और चाय और प्राइस काफ़ी बहुत ही बढ़िया। चलिए गाइस आप भी यहाँ पे जरूर आए, और यहाँ के चाय का और यहाँ के स्नैक्स का जो है आनंद लीजिए, और जो चाय गरम मसाला था स्पेशल चाय गरम मसाला पॉकेट कैफे, वो आप डेफिनेटली आपको ट्राई करना चाहिए। मेरे हिसाब से यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स है, जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है और बहुत हाइजीनिक है, मतलब प्रोडक्ट क्वालिटी बहुत अच्छी और हाइजीनिक है, और रेट जो है वो रीजनेबल है, नॉमिनल है, बहुत नॉमिनल है। आप आ सकते हो, इजीली हैंग आउट कर सकते हो फैमिली के साथ। तो गाइज आप बताइए कैसा लगा आज का आपको वीडियो, कमेंट कीजिए। तो चलिए गाइज मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक ले बाय बाय एंड टेक केयर।